दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ा था, गुणनखंडों, कुल गुणनखंड। आज जो कि हम उसके आगे पढ़ेंगे, गुणनखंडों का योग। इसमें हमने कल आपको बताया था कि इसमें गुणन, कुल गुणनखंड, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, कुल मिला के 6 टाइप होते हैं। तो कल हमने एक टाइप जो कि पढ़ लिया था, उसी के आगे आज हम क्या करते हैं, दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। और अगर जो कि आप लोग कल वाला वीडियो अगर देखना चाहें तो कल प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, आगे की चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुणनखंडों का योग। एक संख्या ले लेते हैं 30। कल मैंने 10 ली थी, आज 30 ले लेता हूँ। अगर हम 30 की बात करें तो 30 देखें तो 30 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। पहले तो इनके कुल गुणनखंड हमें निकालने होंगे, जो कि कल हमने निकाले थे। तो हमने कल एक बात बताई थी कि जो भी संख्या होगी उसके कम से कम 2 गुणनखंड होंगे। वो 2 गुणनखंड कौन से होंगे, एक तो एक होगा, दूसरे संख्या स्वयं होगी। तो संख्या क्या है, यहाँ पे 30 है, तो एक तो इसका एक गुणनखंड एक होगा, दूसरा क्या होगा, 30 होगा। कम से कम 2 गुणनखंड होंगे, अधिक से अधिक पता नहीं, देखते हैं कितने होते हैं। तो 30 एक तो एक से कटेगा, दूसरा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 की टेबल में आता है 30, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटने वाला, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, यानी कि किससे कटेगा, 15 से कटेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग की बात करें तो इसका योग कर लो, इन सबको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो 2 और ये सबको ऐड करेंगे तो 3, 3, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 10, 27, 15, 30, यानी कि सब मिला के कितने हो जाएंगे, 72। तो ये एक छोटी संख्या थी, इसको मैंने ऐसे कर लिया। और इसी संख्या को, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम देखें। तो इसके कॉन्सेप्ट देखने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई इसको रफ कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो 30 है, 30 के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसके जो 30 के गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 15। अब ये 2 से नहीं कटने वाला तो किससे कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा तो 5, 15, 5 से कटेगा तो 5, 51, 5। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1, यानी कि 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, एक बार, उसे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, × 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, × 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब एक हम लोग रूल पढ़े होंगे, एक रूल हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि घात जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 2 की घात 1 प्लस अब 2 की घात कम करेंगे तो 2 की घात कम करेंगे तो हमने कहा कि घात जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तो 0 हो गई। × 3 की घात 1, फिर से घात कम किए, 1 जब कम किए घात 3 की घात 1 तो कम करेंगे, अब 1 कम होगा तो क्या आएगा, 3 की घात 0, फिर से कम कर देंगे तो 5 की घात 1 प्लस 5 की घात, अब क्या आएगा, 0। अब किसी की घात 1 का मतलब क्या होगा, स्वयं होगा, यानी कि 2 की घात 1 2 होगा। और किसी की घात 0 का मतलब क्या होता है, किसी की घात 0 का मान होता है 1। किसी की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। वैसे जब क्या करना है, 3 की घात 1 का मतलब 3, और किसी की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 5 की घात 1 का मतलब 5, और किसी की घात 0 यानी कि 5 की घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 और 1 मिलकर के कितना होगा, 4 हो जाएगा, 5 और 1 मिलकर के कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 × 24 = 3, 24 कितना होगा, 72। यानी कि कुल गुणनखंडों का योग कितना हो गया, सम ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, कुल गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 24 हो गया। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और आगे करते हैं। तुम
जीरो से पढ़ाने में मजा आ जाएगा, आप लोग बस जुड़े रहिए। देखो एक संख्या लेते हैं सौ, एक संख्या ले लेते हैं सौ, एक संख्या ले लेते हैं सौ, इसे क्या करते हैं, इसकी गुणनखंड करते हैं, इसको दो से काटते हैं। इसको जब दो से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो कितना आएगा, 25। अब ये दो से नहीं कटने वाला, तीन से भी नहीं कटेगा, पांच से कटेगा, तो पांच से काट दो, फिर पांच से कटेगा तो पांच से काट दो, तो कुल गुणनखंड कितने, गुणनखंडों का योग कितना होगा देख लेते हैं भाई। तो योग निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, दो इंटू दो यानी कि दो की घात कितनी, दो इंटू पांच की घात कितनी, दो, दो की घात कितनी, दो इंटू पांच की घात कितनी, दो। अब इसका अगर योग निकालने की बात करें तो योग क्या होगा, हमने अभी बताया कि हम लोग इंटर में फिजिक्स में रूल पढ़े थे कि घात जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, तो घात को कम कर दो भाई। घात दो की घात दो है, दो की घात दो लिखेंगे प्लस, अब दो की घात दो यानी कि घात कम करेंगे एक तो कितनी हो जाएगी, दो की घात एक, फिर से घात कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, देखो जीरो हो गई। नहीं तो बताया कि घात जब तक कम करेंगे जब तक क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। फिर देखो पांच की घात दो है, पांच की घात दो प्लस पांच की घात दो से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, फिर अब क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दो की घात दो का मतलब क्या होता है, दो की घात दो का मतलब चार, दो की घात एक का मतलब दो, और किसी की घात जीरो का मान क्या होता है, वन होता है। अब पांच की घात दो का मतलब क्या होगा, पांच की घात दो का मतलब 25 प्लस पांच की घात एक का मतलब पांच और किसी की घात जीरो का मतलब वन। चार दो छह और एक ये सात हो गया, इंटू 25 पांच 30 और एक ये कितना हो गया, 31। 31 की सात से गुणा करेंगे तो सात एक सात, सात त्रिया 21। कुल गुणनखंडों का योग कितना हुआ दोस्तों, 217। कुल गुणनखंडों का योग कितना हुआ, 217। ये वही बात है जो मैंने कल आपको बताया था कि 100 के गुणनखंड करें तो 100 एक तो एक से कटेगा, दूसरा दो से कटेगा, फिर किससे कटेगा, चार से कटेगा, फिर किससे कटेगा, पांच से कटेगा, छह से नहीं कटेगा, सात से नहीं कटेगा, दस से कटेगा, बीस से कटेगा, पच्चीस से कटेगा, पचास से कटेगा और सौ स्वयं से कटेगा, सौ स्वयं से कटेगा। तो ये जो योग करने की बात है तो दो और एक तीन, तीन और चार सात, सात और पांच बारह, बारह दस बाईस और बाईस और बीस बयालीस, बयालीस और पच्चीस, तो बयालीस और दस, बयालीस दस बावन, बावन दस बासठ, बासठ और पांच सड़सठ, सड़सठ और पचास और ये सौ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 217। यानी कि इन सबको अगर हम ऐड करेंगे इन गुणनखंडों को तो कितना आएगा, 217। लेकिन सौ एक छोटी संख्या थी तो उसको मैंने क्या किया, ऐसे करके इसको ऐड करके देख लिया तो 217 आ गया। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है ये, इसको हम लोगों को अच्छे से सीखना है। और एक क्वेश्चन इसका जो भी एग्जाम देते हैं आ ही जाता है, जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, एक और बड़ी सी संख्या लेते हैं उसको और करते हैं। आइए दोस्तों एक संख्या लेते हैं 240, एक संख्या लेते हैं 240 और देखते हैं 240 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो 240 के अभी हमें क्या करना है, इसके हमें गुणनखंड करना है। तो दो से काटेंगे तो दो एक दो, दो दूनी चार, जीरो, फिर दो से काट देते हैं तो दू छंग बारह, जीरो, फिर दो से काट देते हैं तो दू त्रिया छः, जीरो, फिर दो से काटेंगे तो आएगा पंद्रह। अब ये तीन से कटेगा तो आएगा पांच, अब ये पांच से कटेगा तो आएगा एक। देखो दो से काटा 120, दो से काटा 60, 30, 15, 5, 1। अब हमने यही तो बताया था योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो दो एक दो तीन चार कितनी बार है, चार बार, तो दो की पावर कितनी होगी, चार हो जाएगी। तीन कितनी बार है, तीन है एक बार, तो तीन की पावर कितनी होगी, एक हो जाएगी। पांच कितनी बार है, पांच है एक बार, तो पांच की पावर कितनी होगी, एक हो जाएगी। अभी मैंने यही तो बताया कि योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पावर को जब तक कम करेंगे, पावर में एक जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, यानी कि घात में एक जब तक कम करेंगे, जो भी घात दी होगी उसमें एक जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, तो
दो की घात चार है तो दो की घात चार लिखेंगे, प्लस चार में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो दो की घात तीन हो गया, प्लस दो की घात दो हो गया, प्लस दो की घात एक हो गया, प्लस दो की घात जीरो। ने यही तो बताया कि घात को जब तक कम करेंगे कि जब तक घात क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। चार से एक कम किया तीन आया, तीन से एक कम किया दो आया, दो से एक कम किया एक आया, एक से एक कम किया जीरो आया, इंटू तीन की घात एक, यानी कि तीन की घात एक प्लस तीन की घात जीरो, इंटू पांच की घात एक प्लस पांच की घात जीरो, पांच की घात एक प्लस पांच की घात जीरो। अब इसको हल कर लेते हैं। दो की घात चार का मतलब होता है दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, प्लस दो की घात तीन का मतलब होता है दो दुनी चार दुनी आठ, दो की घात दो का मतलब होता है दो दुनी चार, और दो की घात एक का मतलब होता है दो, और किसी की घात जीरो का मतलब होता है वन। और ये क्या हो जाएगा, तीन की घात एक का मान होगा तीन की घात एक का मतलब तीन, और किसी की घात जीरो का मतलब वन, पांच की घात एक का मतलब पांच, और किसी की घात जीरो का मतलब वन। अब ये कितना हो जाएगा, सोलह आठ चौबीस, चौबीस और चार अट्ठाईस, अट्ठाईस दो तीस, तीस और एक इकतीस, प्लस तीन और एक चार, पांच और एक छः। अब आप सभी लोगों को इसकी गुणा करके लिखना है, जो भी आएगा वो क्या होगा, गुणन खंडों का योग होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अपने दोस्तों को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस धन्यवाद।